ओम सर्व मंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है पृथ्वी पर नव ग्रहों के स्थान। जातक की कुंडली में यदि कोई ग्रह अशुभ या कमजोर है तो उस ग्रह को पूजा से संतुष्ट करने के लिए कहाँ जाएं, क्या दान करें और किसकी पूजा करें, इस पृथ्वी पर उन ग्रहों का स्थान कहाँ पर है जहाँ जाकर पूजा से उस ग्रह को संतुष्ट किया जा सके, आइए आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानें। प्रथम है सूर्य देव। इस पृथ्वी पर सूर्य ग्रह को श्री राम के मुकुट की मणि में स्थान दिया गया है। सूर्य ग्रह को संतुष्ट करने के लिए जातक को श्री राम की मुकुट मणि का लाल पुष्पों से पूजन एवं मदार की समिधा से हवन करना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार के दिन अरुणोदय के समय श्री राम मंदिर में करना चाहिए। इसी प्रकार इस पृथ्वी में चंद्र ग्रह को शिवलिंग के मस्तक पर स्थान दिया गया है, इसी कारण महादेव जी का एक नाम चंद्रशेखर हुआ। चंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान शिव मंदिर में संध्या काल के समय करना चाहिए। चंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए जल में दूध एवं शक्कर डालकर शिवलिंग का अभिषेक एवं पलाश की समिधा से हवन करना चाहिए। इसी प्रकार मंगल ग्रह को इस पृथ्वी पर हनुमान जी की गदा में स्थान दिया गया है। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की गदा में लाल पुष्प चढ़ाएं एवं खैर की समिधा से हवन करें। मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन सूर्योदय से लगभग एक घंटे बाद तक करना चाहिए। बुध ग्रह को माँ दुर्गा की चुनरी में स्थान दिया गया है, इसलिए बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा को हरी चुनरी उड़ाना एवं हरे वस्त्र में हरी मूंग और हरे नारियल का दान लगभग सूर्योदय से दो घंटे बाद तक करें एवं अपामार्गी की समिधा से हवन करें। इसी प्रकार गुरु ग्रह को इस पृथ्वी पर भगवान नारायण की वर मुद्रा हस्त में स्थान दिया गया है। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए श्री विष्णु के वरद हस्त पर पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए एवं गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान गुरुवार के दिन सायंकाल करें एवं पीपल की समिधा से हवन करें। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर शुक्र ग्रह को देवी लक्ष्मी के स्वर्ण कलश में स्थान दिया गया है, अतः शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए स्वर्ण कलश पर श्वेत पुष्पों से पूजन करें एवं खट्टे पदार्थ दही या नींबू अर्पित करें तथा गूलर की समिधा से हवन करना चाहिए। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान शुक्रवार के दिन प्रातः अरुणोदय काल में करना चाहिए। इसी प्रकार शनि ग्रह को इस पृथ्वी में हनुमान जी के मुड़े हुए घुटने के नीचे स्थान दिया गया है, अतः शनि ग्रह की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी के घुटने के पास उड़द चढ़ाकर गुड़ और चने का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। शनिदेव की संतुष्टि के लिए शमी की समिधा से हवन करें। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान शनिवार के दिन मध्याह्न काल घर के नौकर चाकरों को करना चाहिए। ध्यान रहे यदि शनिदेव के विग्रह की पूजा करना हो तो उसी विग्रह की पूजा करना चाहिए जिसमें शनिदेव की आंखें खुली ना हो। शनिदेव की शापित वक्र दृष्टि होने के कारण उचित तो यही होगा कि शनिदेव की शिला ही पूजनी चाहिए। इसी प्रकार राहु ग्रह को इस पृथ्वी पर शिवलिंग के ऊपर छत्र रूपी नांग फन पर स्थान दिया गया है, अतः राहु ग्रह की प्रसन्नता के लिए सर्प के फन पर दूध और जवा ढार कर दूर्वा चढ़ाना चाहिए। राहु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान शनिवार की रात्रि विकलांग या टोढ़ियों को करना चाहिए। इसी प्रकार केतु ग्रह को इस पृथ्वी में गणेश जी के चूहे में स्थान दिया गया है, अतः केतु ग्रह की प्रसन्नता के लिए गणेश जी के चूहे के पास रेवड़ी या तिल से बने पदार्थ भोग लगाने चाहिए एवं केतु की समिधा कुसा का जोड़ा चढ़ाना चाहिए। केतु से संबंधित वस्तुओं का दान मंगलवार की रात्रि के समय झाड़ू लगाने वाले या कचरा गाड़ी वाले कर्मचारियों को करना चाहिए। इस प्रकार नव ग्रहों को उनके उचित स्थान, उचित दान एवं उचित प्रक्रिया के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करें। जय श्री राम।